हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद वेद। और आप देख रहे हैं ई कॉमर्स प्रोजेक्ट सीरीज यूजिंग मेन स्टैक। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने अपना होम पेज डिज़ाइन कर लिया था और अथेंटिकेशन हम लोग इस पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन एपीआई बनाएंगे और लॉगिन एपीआई बनाएंगे, फिर हम लोग अपने एपीआईज को सिक्योर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो अपने बैकएंड प्रोजेक्ट पे चलेंगे। हमारे पास यूजर स्कीमा है जिसमें हमारे पास यूजर का नाम, ईमेल आईडी, पासवर्ड और वो एडमिन है या नहीं है, ये हम स्टोर करके रख रहे हैं। तो इसके बाद हमें एक यूजर हैंड, एक राउट हम लोग बनाएंगे, ऑथ राउट, ऑथ डॉट js, जहाँ पे हम लोग इंपोर्ट करेंगे एक्सप्रेस और एक राउटर क्रिएट करेंगे। डॉट राउटर और एक्सपोर्ट करेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू राउटर। और यहाँ पे हम दो एपीआई बनाएंगे, एक एपीआई बनाएंगे हम लोग रजिस्ट्रेशन के लिए और एक एपीआई हम लोग बनाएंगे लॉगिन के लिए। तो चलिए पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन के लिए एपीआई बनाएंगे। राउटर डॉट पोस्ट क्लास रजिस्टर, और इसमें हम लोग एक टेस्टिंग फंक्शन देंगे। इस फंक्शन को हमको रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट मिलेगा इस कॉल बैक में, और एपीआई में हमें बॉडी से डेटा मिलेगा रजिस्ट्रेशन का। तो हमको रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से हमें डेटा निकालना है, रजिस्ट्रेशन डेटा जो हम लोग बॉडी में रिक्वेस्ट सेंड करते समय भेजेंगे। ठीक है, तो ये डेटा आ गया। अब यहाँ पे हमें इसको वैलिडेट करेंगे, इफ मॉडल डॉट नेम मॉडल डॉट एंड मॉडल डॉट ईमेल एंड मॉडल डॉट पासवर्ड। अगर ये तीनों चीजें हैं हमारे पास तो हम तो रजिस्टर करेंगे। इल्स हम यहां से रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे स्टेटस 400 डॉट जेसन, और उस जेसन में मैसेज देंगे एरर का, प्लीज प्रोवाइड नेम ईमेल एंड पासवर्ड। मतलब अगर हमारे पास इनमें से कोई भी एक चीज नहीं हुई तो हम यहां से रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे एरर का 400, और एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देंगे कि हाँ भाई आपने सारी वैल्यूज नहीं प्रोवाइड की है, आपको सारी वैल्यूज प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ओके, बट अगर यहाँ से तीनों चीज़ें हमें अवेलेबल हैं तो हमें सिंपली अपने यूज़र का रजिस्ट्रेशन करना है, तो उसके लिए हमें एक हैंडलर क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग हैंडलर बनाएंगे, ऑथ हैंडलर डॉट js। और यहाँ पे हम लोग अपना, जैसे यहाँ पे ब्रांड हमने इंपोर्ट किया है, यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट करेंगे यूजर यूजर स्कीमा, और यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाएंगे एस्ट्रिंग फंक्शन रजिस्टर यूजर। ओके, और हमें यहाँ मॉडल मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मॉडल डॉट जो पासवर्ड है उसको, पासवर्ड को हैश करना है, क्योंकि हम सिंपल प्लेन पासवर्ड नहीं स्टोर करेंगे। या इसको कर सकते हैं, पहले हम लोग क्या करें, पहले स्टोर करते हैं यूजर, न्यू यूजर, पहले तो इसको हम लोग डीबी में, मोंगो डीबी में इंसर्ट करते हैं। कैसे करेंगे, नेम ईमेल मॉडल डॉट
ईमेल, पासवर्ड डॉट पासवर्ड, ठीक। और ये भी हमारा मॉडल डॉट नेम होगा, ठीक है। और इस यूजर को हम लोग क्या करेंगे, सेव करेंगे, अवेट यूजर डॉट सेव, ओके। इस तरीके से हमारा सेव हो जाएगा और रिटर्न करेंगे हम लोग बस, और कुछ हम यहाँ से रिटर्न नहीं करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, ये जो पासवर्ड है प्लेन पासवर्ड है, हमें क्या करना है, हमें इनक्रिप्टेड पासवर्ड, हम बेसिकली जब भी अपने डेटाबेस में पासवर्ड स्टोर करते हैं तो वो पासवर्ड हमको इनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर करना चाहिए, अदरवाइज सिक्योरिटी का इशू होता है। तो अब हमको इसको इनक्रिप्ट करने के लिए क्या इंस्टॉल करना है, बिक्रिप्ट करके एक लाइब्रेरी आती है जिसका यूज हम लोग करेंगे इनक्रिप्ट करने के लिए। तो npm इंस्टॉल डिक्रिप्ट, ओके। लाइब्रेरी हमारी इंस्टॉल हो गई। अब इसको हम क्या करेंगे, अपने हैंडलर में इंपोर्ट कर लेंगे लाइक दिस। अब जैसे हमको इस पासवर्ड को हैश करना है, इनक्रिप्ट करना है, तो हमको यूज करना पड़ेगा हैश पासवर्ड। पहले हम लोग पासवर्ड को हैश कर लेंगे, ठीक है, कॉन्स्ट हैश पासवर्ड, और अवेट करेंगे विक्रिप्ट डॉट हैश, और यहाँ पे हम लोग अपना मॉडल डॉट पासवर्ड देंगे, और इसमें हम लोग एक स्टार्ट के कितने राउंड, मतलब एक तरीके से आप इसको इनक्रिप्शन लेवल या हैश लेवल भी बोल सकते हो, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इस इनक्रिप्टेड या हैश पासवर्ड को हम लोग स्टोर करेंगे अपने डेटाबेस पे, ओके। इस तरीके से हम लोग करते हैं। अब अपने राउट से हम लोग यहाँ कॉल कर देंगे अवेट। पहले तो हमको इस फंक्शन को यहाँ से मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। के बाद हम अपने राउट से रजिस्टर यूजर फंक्शन को कॉल करेंगे, इसमें मॉडल करेंगे और रिटर्न कर देंगे हम लोग। रिटर्न करने की जरूरत नहीं, बस रेस्ट डॉट रेस्ट डॉट सेंड, यहाँ हम लोग मैसेज डालेंगे यूजर रजिस्टर्ड। इस तरीके से हमने अपनी रजिस्टर्ड API क्रिएट कर ली है, ठीक है। अब इसको हम लोग चेक करते हैं अपने पोस्टमैन में। पोस्टमैन ओपन करेंगे और प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं। npm स्टार्ट, प्रोजेक्ट हमारा रन कर रहा है, इसको चेक करेंगे। और हाँ, हमने ये जो राउट बनाया हुआ है इसको अभी हमने एज ए मिडिल वेयर स्टोर नहीं किया है, ठीक है। तो उसको करने के लिए क्या करेंगे, अपने ऐप डॉट जेएस फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे ऐप डॉट यूज क्लास ऑथ, और यहाँ पे हम लोग लगाएंगे अपना ऑथ राउट। तो यहाँ पे कॉन्स्ट ऑथ राउट रिक्वायर राउट्स क्लास ऑथ, ये हमने इंपोर्ट कर लिया। इसके बाद हम अपनी पाइपलाइन में, रिक्वेस्ट पाइपलाइन में इस राउट को ऐड कर देंगे। अब ये हमारा यूजेबल हो गया है। अब हम इस पे रजिस्टर्ड रिक्वेस्ट भेजेंगे अपनी पोस्ट रिक्वेस्ट ऑथ स्लैश रजिस्टर, ओके। और इस पे पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे, बॉडी में हमारा यहाँ पे रहेगा कोड विथ वेद, अभी हम सिर्फ ये भेजते हैं। इसको सेंड किया, हमें यहाँ से रिस्पांस आया कि हमें नेम ईमेल एंड पासवर्ड भेजना है। तो चलिए ईमेल भेजते हैं, ईमेल कोड विथ वेद एट द रेट test.com, ओके। और फिर से हमने सेंड किया, अभी भी इरर आनी चाहिए, 400 इरर आ रही है क्योंकि अभी हमने पासवर्ड नहीं भेजा है। तो
पासवर्ड भेजेंगे यहाँ से, चलिए पासवर्ड भेजते हैं 1 2 3 4 5, और इसको हम लोग सेंड करेंगे। हमारा यूजर रजिस्टर हो गया। अब तो अपने MongoDB में इसको चेक करते हैं कि हमारा यूजर जो रजिस्टर्ड हुआ है वो कैसे रजिस्टर्ड हुआ है। तो हमने MongoDB को कैंपस में ओपन किया, और ये आप देखो हमारा जो पासवर्ड है वो इनक्रिप्टेड सेव हुआ है। ओके, अब एक यूजर को हम लोग, सपोज ये हमारा एडमिन यूजर है, और अब हम लोग कस्टमर वन को सेव करेंगे। ठीक है, कस्टमर वन सेव हो गया हमारा, कस्टमर टू को सेव करते हैं हम लोग। ओके, तो इस तरीके से हमने कस्टमर अपने सेव कर लिए। अब एक काम करते हैं हम लोग, एडमिन यहाँ पे अपने, मैं अपनी इस ईमेल आईडी को एज ए एडमिन कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि हम लोग एडमिन अपने एप्लीकेशन या API से क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं देंगे, क्योंकि हम, मैं अकेला एक सिंगल एडमिन इसमें है, तो जिसको भी आप, जिस यूजर को आप एडमिन बनाना चाहते हो आप उसको एडमिन बना दो मैनुअली DB में जाके, क्योंकि आप रोज रोज एडमिन चेंज नहीं करेंगे या किसी को हटाएंगे नहीं। तो एक बार आप जब भी आप DB में बनाना चाहो, तो मैंने इस यूजर को एज ए एडमिन रजिस्टर किया है, बाकी हमारे एडमिन नहीं है। ठीक है, और इसका यूज हम कहाँ करेंगे आगे मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो हमारी रजिस्टर API हो गई। अब हम लोग अपनी लॉगिन API क्रिएट करेंगे। ओके, तो लॉगिन API में क्या करना है, हम अपना ईमेल और पासवर्ड तो सेंड करेंगे, और हमें एक टोकन मिलेगा जिसका हम लोग यूज करेंगे बाकी रिक्वेस्ट में। तो चलिए यहाँ पे एक पोस्ट रिक्वेस्ट हम लोग और बनाएंगे, और इसका हम रखेंगे लॉगिन, पाथ रखेंगे लॉगिन, और इसमें हमें क्या होना चाहिए, ईमेल एंड पासवर्ड हमको प्रोवाइड होना चाहिए, फिर हम लोग लॉगिन करेंगे। ओके, टू डू लॉगिन, इल्स प्रोवाइड ईमेल एंड पासवर्ड। अगर ईमेल एंड पासवर्ड दोनों हमारे अवेलेबल नहीं है, तो हम यहाँ से रिटर्न करेंगे प्लीज प्रोवाइड ईमेल एंड पासवर्ड, और अगर हमारे पास है ईमेल एंड पासवर्ड दोनों, तो हम लॉगिन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अपने ऑथ हैंडलर में चलते हैं, और यहाँ एक फंक्शन बनाएंगे, एसिंक फंक्शन लॉगिन यूजर। और ये हमारा रिसीव करेगा मॉडल, इस मॉडल के अंदर ईमेल एंड पासवर्ड होगा। अब हमें क्या करना है, चेक करना है, एक यूजर फाइंड आउट करना है, कॉन्स्ट यूजर DB से हम इस ईमेल आईडी वाले यूजर को फाइंड आउट करेंगे। तो अवेट यूजर डॉट फाइंड, और इसमें एक फिल्टर डालेंगे ईमेल, जिसका ईमेल हमारे इस मॉडल में जो हमने ईमेल भेजा है उसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो हमने इसको निकाल लिया। ओके, इफ यूजर इज नल, या यूजर है, ओके अगर यूजर है और यूजर का जो पासवर्ड है वो मैच करना चाहिए हमारे इस मॉडल के पासवर्ड से। ओके, या आप ये कहिए कि हमारे मॉडल में पासवर्ड है वो यूजर के पासवर्ड से मैच करना चाहिए जो हमने स्टोर कर रखा है। ठीक है, अगर मैच कर रहा है तब तो हम यहाँ से एक टोकन क्रिएट करके रिटर्न करेंगे, यूजर को लॉगिन करेंगे, अदरवाइज हम लोग यहां से रिटर्न कर जाएंगे। नल, ओके, तो अब चूंकि हमने पासवर्ड को स्टोर कर रखा है इनक्रिप्टेड फॉर्म में, तो हमारा जो प्लेन पासवर्ड है वो इनक्रिप्टेड पासवर्ड से तो मैच नहीं करेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कंपेयर करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि कंपेयर करने के लिए कैसे करते हैं। तो कंपेयर करने के लिए हमें डिक्रिप्ट लाइब्रेरी का यूज करना पड़ेगा। तो कॉन्स्ट इज मैच्ड, एक फंक्शन, एक प्रॉपर्टी बनाएंगे, अवेट करेंगे, डिक्रिप्ट लाइब्रेरी में एक कंपेयर फंक्शन होता है, इसमें हमको अपना जो पासवर्ड है
वाला पासवर्ड पहले भेजना पड़ेगा, और फिर जो हमारा इनक्रिप्टेड पासवर्ड है, ठीक है, इनक्रिप्टेड पासवर्ड को फिर हम लोग भेजेंगे। अगर ये दोनों मैच हुए तो ये हमारा ट्रू होगा। तो ये जब दोनों ट्रू हो जाएंगे तो हमको लॉगिन करना है, अदरवाइज हमें लॉगिन नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग पहले अब चेक कर लेंगे इफ यूजर नॉट डिफाइन। ओके, अगर यूजर ही नहीं मिला इस ईमेल आईडी का तो भी हम लोग रिटर्न कर देंगे नल। ओके, अगर मैच हो रहा है पासवर्ड तो यहां से हम लोग एक JWT टोकन क्रिएट करेंगे और यहां से टोकन रिटर्न करेंगे। अब JWT टोकन कैसे क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए हमें जेसन वेब टोकन नाम की एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो npm इंस्टॉल जेसन वेब टोकन, अब हम अपनी यहाँ क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे JWT टोकन लाइक दिस। अब इस JWT का यूज करेंगे टोकन क्रिएट करने में। टोकन बनाएंगे कॉन्स्ट टोकन JWT डॉट साइन और यहां पे हम लोग अपना पूरा यूजर सेंड कर देंगे। यूजर या यो कह दीजिए, हम लोग आईडी रखेंगे यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी, फिर उसके बाद हम लोग नेम स्टोर कर लेंगे डॉट नेम, उसके बाद हम लोग ईमेल यूजर डॉट ईमेल। ओके, इससे हम लोग एक टोकन बनाएंगे और सेकेंड आर्गुमेंट हम लोग एक सीक्रेट देंगे। ठीक है, आप कुछ आप अपना सीक्रेट रख, अलग अलग लेंथ का, किसी भी लेंथ का आप अपना सीक्रेट रखें यहाँ पे। हम लोग एक, मैं एक सिंपल सीक्रेट रख रहा हूँ, आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, इससे हमें एक टोकन मिल जाएगा। और नेक्स्ट आर्गुमेंट जो आप दे सकते हो वो है कि एक्सपायर कितनी देर के लिए ये टोकन अवेलेबल है। ठीक है, और यहाँ हम लोग देंगे 1 आवर के लिए ये टोकन अवेलेबल। इस तरीके से हमारा टोकन क्रिएट हो जाएगा और हम लोग यहाँ से रिटर्न करेंगे एक ऑब्जेक्ट जिसमें हमारे टोकन होगा और यूजर पासवर्ड यूजर ऑब्जेक्ट होगा। ओके, अब हम अपने लॉगिन एपीआई में पहले तो इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे लॉगिन यूजर। इसके बाद अपने एपीआई में हम क्या करेंगे, इसको कॉल करेंगे अवेट लॉगिन यूजर। इसमें हम लोग मॉडल पास करेंगे, मॉडल पास करने के बाद हमें यहाँ कॉन्स्ट रिजल्ट आएगा। अगर इफ रिजल्ट रिजल्ट में कुछ वैल्यू है तब तो हम इसको रिस्पॉन्स में रिटर्न कर देंगे सेंड रिजल्ट, मतलब हमारा यूजर लॉग इन हो गया। अगर उसमें नल आया, नल आने का मतलब हुआ कुछ भी नहीं होगा, तो हम यहाँ से रिटर्न करेंगे एरर, और वो एरर होगी यूजर नेम ईमेल आर पासवर्ड इज इनकरेक्ट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं चेक करना। तो हमारी इस बार एपीआई होगी लॉगिन और हम लोग भेजेंगे पासवर्ड, मान लो हम लोग नहीं भेजते हैं तो यहाँ से हमें अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करना पड़ेगा। क्लियर पीएम स्टार्ट, तो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, आप रिक्वेस्ट भेजेंगे, रिक्वेस्ट भेजें तो हमें मिला प्लीज प्रोवाइड ईमेल एंड पासवर्ड। ओके, पासवर्ड भी भेजना पड़ेगा हमें, और जैसे ही हमने पासवर्ड कोई गलत पासवर्ड भेजा तो फिर से हमें एरर आनी चाहिए कि ईमेल एंड पासवर्ड इनकरेक्ट है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हुई है।
डेटा एंड हैश आर्गुमेंट रिक्वायर्ड। ओके दोबारा पासवर्ड सेंड, इस बार पासवर्ड सेंड करके देखते हैं। इस बार हमने सही पासवर्ड भेजा है, फिर भी प्रॉब्लम आई, क्यों एरर आ रही है? डेटा एंड हैश आर्गुमेंट्स रिक्वायर्ड। ओके ऐसा क्या हो गया भाई कि हम लोग रिक्वायर नहीं हो रहे हैं यहाँ पे? लॉगिन यूजर, ये रिक्वेस्ट भेजा है हमने, तो कंसोल डॉट लॉग करते हैं यूजर को, के बाद मॉडल एंड पासवर्ड को। ओके इसको हम लोग प्रिंट करते हैं, अब देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। सेशन ऑथ लॉगिन पोस्ट रिक्वेस्ट हमने किया, कि हमारा प्रिंट हो रहा है। ओके प्रॉब्लम ये आई कि हमें वहां से एक एरे रिटर्न हो रहा है। ये जो है ये यूजर्स का एरे है। ओके तो हमें यहाँ पे एक फाइंड वन फंक्शन होना चाहिए, फाइंड वन। ओके यस, हमें अब हमें यहाँ सिंगल ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, ठीक है, अब ये वर्क करना चाहिए। चलिए चेक करते हैं, जैसे ही हमने करेक्ट पासवर्ड दिया हमें पूरा एक टोकन आ गया और यूजर की डिटेल आ गई। ठीक है, रियल प्रोडक्शन ऐप में आप लोग पासवर्ड रिटर्न मत करिए, सिर्फ इतना रिटर्न कर दीजिए ये प्रॉपर्टी, तो ये प्योर प्रॉपर्टी, तो आप इसको मत रिटर्न करिए। अब हमारे पास टोकन आ गया, इस टोकन का यूज हम क्या करेंगे? अब जितने भी आपके पास रिक्वेस्ट हैं उसमें आप इस टोकन को भेजेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि यूजर लॉग्ड इन है या नहीं है। ठीक है, एक चीज और रख लेते हैं, जब हम टोकन बना रहे हैं तो यहाँ पे इज एडमिन रख लेते हैं। ठीक है, यूजर इज एडमिन, मतलब यूजर एडमिन है या नहीं इस टोकन में ये जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अब ये हो गया सिंपल हमारा रजिस्ट्रेशन और लॉगिन, और हमें मिल गया टोकन। अब हमें क्या करना है कि ये जितनी भी APIs, ब्रांड की, कस्टमर, प्रोडक्ट, ये जो भी APIs हैं ये विदाउट टोकन कॉल नहीं होनी चाहिए। ऑथ वाली APIs तो कॉल हो जानी चाहिए, क्योंकि यूजर रजिस्टर कर रहा है तो वो लॉगिन नहीं होगा, उसके पास टोकन नहीं होगा, लॉगिन कर रहा है तो भी उसके पास टोकन नहीं होगा। बट अगर यूजर हमारा लॉग्ड इन है तो तभी ब्रांड्स, कैटेगरी और कस्टमर की APIs कॉल कर सकता है, तो हमें इस पे एक प्रोटेक्शन लगाना पड़ेगा, इसको राउट को हमें सिक्योर करना पड़ेगा। तो सिक्योर कैसे करते हैं? मिडिलवेयर के थ्रू। तो हम लोग एक फंक्शन यहाँ क्रिएट करेंगे, फोल्डर मिडिलवेयर। ओके, और इस मिडिलवेयर में क्या बनाएंगे? एक फाइल बनाएंगे, ऑथ मिडिलवेयर डॉट js, और यहाँ हम लोग इंपोर्ट करेंगे अपना JWT टोकन। ठीक है, और यहाँ पे फंक्शन हमारा होगा वेरीफाई टोकन, मतलब हम लोग वेरीफाई करेंगे कि टोकन हमारा वैलिड है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसमें हमको मिलेगा रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट हैंडलर। ओके, ये एक मिडिलवेयर का सिंटैक्स है, ये आपको रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट एलिमेंट हैंडलर मिलता है। ठीक है, पाइपलाइन का। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि हम रिक्वेस्ट में टोकन है या नहीं है, तो हम टोकन हेडर में सेंड करते हैं। ठीक है, तो टोकन निकालेंगे रिक्वेस्ट डॉट हेडर ऑथराइजेशन।
हमारे हेडर में ऑथराइजेशन हेडर में टोकन हम लोग अटैच करके सेंड करेंगे तो हमें टोकन मिल जाएगा। तो इफ टोकन में कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब यूजर लॉग्ड इन नहीं है और हम लोग यहां से रिटर्न करेंगे 401 एक्सेस डिनाइड रिस्पॉन्स। तो स्टेटस हमारा जाएगा 401 और यहां से हम लोग सेंड करेंगे एरर एक्सेस डिनाइड। तो ये हमने चेक कर लिया कि भाई टोकन तो होना चाहिए आपके पास। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि ये टोकन वैलिड है या नहीं। तो कैसे वो चेक करते हैं, ट्राई कैच लगाएंगे एक कॉन्स्ट तो डिकोडेड डिकोड करेंगे अपना JW टोकन। कैसे करते हैं, JW टोकन डॉट वेरीफाई और इसमें हम लोग टोकन प्रोवाइड करेंगे और इसमें ये सेम सीक्रेट की प्रोवाइड करेंगे जब हम लोग इसका टोकन क्रिएट कर रहे थे, ठीक है। तो हम लोग जब टोकन क्रिएट कर रहे थे तो जो सीक्रेट हमने की यूज की थी वो थी ये, और आप भी यही सेम टू सेम यूज करेंगे। वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं बट दोनों जगह सेम होनी चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, एक सिंगल जगह पे इसको स्टोर करके रख सकते हो और दोनों जगह रीयूटिलाइज कर सकते हो। अब जब हमने यहां पे इसको डिकोड कर लिया तो इसके अंदर हमारे पास जो वैल्यूज हमने प्रोवाइड की थी वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो और इसके बाद हम लोग इसको, अगर ये हमारे पास डिकोडेड आ गया, हम अपना नेक्स्ट हैंडलर कॉल कर देंगे। नेक्स्ट हैंडलर कॉल करेंगे तो रिक्वेस्ट हमारी अगले हैंडलर पे चली जाएगी, ठीक है। और अगर ये कैच हुआ मतलब कुछ एरर आई तो इसका मतलब डिकोड करने में हमें प्रॉब्लम हुई, या तो टोकन वेरीफाई नहीं था या कुछ और प्रॉब्लम हो गई। तो अब यहाँ से हम लोग फिर से रिटर्न कर जाएंगे एक्सेस डिनाइड आर इनवैलिड टोकन। ठीक है, अब इस कोड में क्या क्या है उसको हम कंसोल डॉट लॉग करके एक बार देख लेंगे। अब जितनी भी APIs को हमें सिक्योर करना है उसमें हम लोग ये वेरीफाई टोकन को पाइपलाइन में ऐड करेंगे, उस API की पाइपलाइन में मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट वेरीफाई टोकन। ओके, अब हम आते हैं अपने app.js पे। हमें अगर अपनी कैटेगरी APIs को सिक्योर करना है, अभी हम अपनी कैटेगरी API को कॉल करते हैं एक बार, कैटेगरी गेट API कॉल करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा डेटा आ रहा है, ठीक है। अब हम कैटेगरी API को क्या करेंगे, वेरीफाई टोकन हैंडलर इसमें पहले लगा देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि जब ये पास करेगा तब हमारे कैटेगरी राउट्स पे जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको, अब रिक्वेस्ट भेजते हैं। इसने हमें क्या दिया, 401 हो गया, तो मतलब यूजर लॉग इन नहीं है इसलिए आप रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो लॉग इन रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, auth slash login। जब हमने लॉगिन किया पोस्ट रिक्वेस्ट, हमें एक टोकन मिला। अब इस टोकन को हम लोग अपने हेडर में डालेंगे, गेट रिक्वेस्ट करेंगे कैटेगरी से और ऑथराइजेशन में जाएंगे, यहाँ पे हम लोग बियरर टोकन डालेंगे, या बियरर टोकन डालने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग क्या करेंगे सिर्फ यहाँ पे नो ऑथ करेंगे, यहाँ कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ ऑथराइजेशन
हेडर डालना है, ठीक है। यहाँ पे ऑथोराइजेशन हेडर डालेंगे और यहाँ पे अपने टोकन की वैल्यू डालेंगे। अब जब हम सेंड करेंगे तो भी हमें एक्सेस डिनाइड क्यों आ रहा है? एक्सेस डिनाइड नहीं आना चाहिए था। कंसोल डॉट लॉग करते हैं, रिक्वेस्ट डॉट हेडर को, ओके। कहीं पे अनएक्सपेक्टेड आ रहा है, ओके। चलो देखते हैं, शायद सिंटैक्स की प्रॉब्लम करी है कहीं पे। वेरीफाई टोकन पे चलेंगे, प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे। हेडर ओके, यहाँ पे हमें ऑथोराइजेशन स्पेलिंग मिस्टेक थी, ठीक है, करना है और सेम हेडर हमें ऐड करना है यहाँ पे। अब सेंड करते हैं रिक्वेस्ट और ये हमें डेटा आ गया। इसका मतलब हमारी एपीआई सिक्योर हो गई है। तो इसी तरह हमें अपने सारे ऑथ को जो भी हमें सिक्योर करने हैं, ब्रांड्स को सिक्योर करना है, प्रोडक्ट्स को सिक्योर करना है और कस्टमर को सिक्योर करना है, इतने राउट्स हमें सिक्योर करने हैं टोकन के थ्रू। और ये कस्टमर राउट तो है जो, अब यहाँ पे हमें ये भी चेक करना है कि जो कैटेगरी राउट्स और ब्रांड राउट्स और प्रोडक्ट राउट्स हैं, इनको सिर्फ एडमिन कॉल कर सकता है, ओके, और कस्टमर राउट को कोई भी कॉल कर सकता है, लॉग्ड इन पर्सन। तो उसके लिए तो हमने इसको ठीक कर लिया कि अगर वेरीफाई टोकन हो गया तो हमारा कस्टमर राउट कॉल हो सकता है, बट जो ये तीनों राउट्स हैं, कैटेगरी राउट्स, ब्रांड राउट्स, प्रोडक्ट राउट्स, ये एडमिन राउट्स हैं। तो एडमिन राउट्स में क्या करना है, ये राउट्स हमारे वेरीफाई टोकन तो होने चाहिए, उसके बाद इज एडमिन भी होना चाहिए। तो इज एडमिन कैसे होगा यूजर हमारा, तो हमने जो डिकोड किया डेटा उसमें इज एडमिन की वैल्यू फॉल्स है, यानी वो हमारा एडमिन नहीं है। तो यहाँ पे एक मिडिलवेयर हम लोग और बनाएंगे, फंक्शन इज एडमिन, ठीक है। और जब यहां पे हमें टोकन मिल जाएगा तो हम लोग रिक्वेस्ट में डॉट यूजर आईडी में हम लोग डिकोड डॉट आईडी डाल देंगे, ठीक है। और रिक्वेस्ट डॉट यूजर, या आप सीधे सीधे इस यूजर में डिकोड को डाल देंगे, ठीक है, पूरा पूरा ऑब्जेक्ट ही रिसर्च यहाँ पे डाल दो, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स डॉट नेक्स्ट, यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ यूजर एंड यूजर डॉट इज एडमिन, अगर ट्रू है तब तो हम नेक्स्ट हैंडलर कॉल कर देंगे, यानी यूजर एडमिन है। इल्स हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न कर देंगे 403 फॉरबिडन, क्योंकि आप एडमिन नहीं हो तो आपको फॉरबिडन एक्सेस फॉरबिडन। इस तरीके से हम लोग अपना एडमिन पे भी सिक्योरिटी लगा सकते हैं। और अब क्या करना है, ऐप डॉट जी एस पे, जैसे इस पे हमने वेरीफाई किया कि यूजर लॉग्ड इन है, उसके बाद मिडिलवेयर का क्या नाम है, इज एडमिन, ओके। इज एडमिन यहाँ पे हम डालेंगे इज एडमिन, यहाँ पे भी डालेंगे, इस पे भी डालेंगे और कस्टमर पे नहीं डालेंगे, कि कस्टमर पे हमें सिर्फ चेक करना है कि यूजर लॉग्ड इन है या नहीं।
और इन पे हमें क्या चेक करना है, पहले हम चेक करेंगे वेरीफाई टोकन यूजर लॉग इन है या नहीं, उसके बाद हम चेक करेंगे कि एडमिन है तभी हमारे कैटेगरी राउट्स कॉल कर सकता है। ठीक है, अब देखते हैं कैटेगरी राउट्स हमारा कॉल नहीं हो रहा है, यूजर इट नॉट डिफाइंड एरर आ रहा है। यूजर इज नॉट डिफाइंड करा रहा है, तो इसको थोड़ा सा और बेटर करते हैं मिडिलवेयर में, यूजर तो सॉरी ये होगा हमारा रिक्वेस्ट डॉट यूजर और ये होगा रिक्वेस्ट डॉट यूजर। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब चेक करते हैं कस्टमर फीचर प्रोडक्ट, कस्टमर एपीआई को हमने कॉल किया और ये 404 होम नहीं होगा, यहाँ पे हमारा कस्टमर एपीआई कॉल हो गई, ठीक है, क्योंकि हमने हेडर में टोकन भेज रखा है। अब हम लोग कैटेगरी एपीआई कॉल करेंगे, कैटेगरी एपीआई को कॉल किया, उसने हमें फॉरबिडन किया क्योंकि हमारा लॉग इन तो है बट ये यूजर हमारा एडमिन नहीं है, तो उसके लिए हमें फिर से लॉग इन एपीआई भेजनी कॉल करनी पड़ेगी। बट इस बार जो हम लोग ईमेल भेजेंगे वो भेजेंगे एडमिन का ईमेल, ठीक है, कोड विद वेद। अब ये हमें एडमिन वाला टोकन मिल गया, ये टोकन हमारा एडमिन का टोकन हो गया, इसलिए हम लोग अगर आप कैटेगरी एपीआई कॉल करेंगे इस टोकन के साथ में तो हमें डेटा रिटर्न होगा क्योंकि ये यूजर हमारा एडमिन है। तो इस तरीके से हम लोग रजिस्टर एपीआई, लॉगिन एपीआई क्रिएट करते हैं और फिर हम लोग कैसे हमने देखा कैसे मिडिलवेयर की हेल्प से हम लोग अपने एपीआईज को सिक्योर करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग अपने इस ऑथेंटिकेशन को एंगुलर फ्रंट एंड पर इंटीग्रेट करेंगे जो हमने रजिस्टर और लॉगिन एपीआईज क्रिएट की हैं। तो सबसे पहले रजिस्टर करते हैं, तो रजिस्टर पेज क्रिएट करेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले एक एनजी जनरेट कंपोनेंट रजिस्टर कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, और इसकी राउटिंग करेंगे। तो यहाँ राउटिंग के लिए क्या करेंगे, पाथ रजिस्टर, और रजिस्टर पे हम लोग कंपोनेंट कौन सा लोड करेंगे, रजिस्टर कंपोनेंट लाइक दिस। ओके, तो प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं और एक हम लोग सर्विस क्रिएट करेंगे, एनजी जनरेट सर्विस, सर्विसेज फोल्डर में हम लोग एक ऑथ सर्विस क्रिएट करेंगे, सर्विस हमारी क्रिएट हो गई, प्रोजेक्ट को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, एनजी सर्व, तो रजिस्टर यूआरएल पे चलेंगे, यहाँ पे हमारा रजिस्टर करके कंपोनेंट लोड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करना है, तो हम अपने चैट जीपीटी का यूज करेंगे यहाँ पे, क्रिएट रजिस्टर फॉर्म विथ नेम ईमेल पासवर्ड इनपुट using Tailwind CSS, okay? क्योंकि हम लोग Tailwind CSS कर रहे हैं तो directly Tailwind CSS का use कर लेते हैं, that will be more efficient for us. इस तरीके से हमारा Tailwind CSS का form create हो गया, इसको हम लोग direct use कर लेते हैं, right? तो हमारा fast हो जाएगा development और इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट करते हैं। और अपने आउटपुट को देखते हैं, तो इसको हम लोग सेंटर में ले आएंगे, ठीक है, इस फॉर्म को। और सेंटर में ले आने के लिए हमें क्या करना है,
इस पूरे कंपोनेंट को लोग एक ड्यू के अंदर पेश करेंगे और फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर डब्लू फुल, जब डब्लू फुल दे दिए तो इसकी विथ हम लोग हाफ हाफ देंगे, ठीक है, हाफ ऑफ द स्क्रीन। लेट्स सी, अभी ये बेटर लग रहा है। और इसका मार्जिन टॉप देते हैं, ओके, अभी ये बेटर लग रहा है, ठीक है। तो हमारा HTML क्रिएट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक चीज हमें करना है, ये इनपुट बॉक्स को चेंज करना है, क्यों कि इस पर से हम क्लास हटाएंगे, इतनी भयंकर क्लासेस जो लगी हुई हैं, और इसको हम चेंज करेंगे इनपुट मॉड्यूल जो होता है हमारा मटेरियल का, ठीक है, मैट इनपुट मॉड्यूल। और यहाँ पे हम इसको मैट इनपुट देंगे, ठीक है, और इस पूरे को मैट फॉर्म फील्ड में, मैट फॉर्म फील्ड पे रैप करेंगे लाइक दिस। और ये लेबल भी मैट लेबल कर देंगे, तो हमें ये क्लास देने की जरूरत नहीं है। सेम हम लोग रिपीट कर लेते हैं, तो हमने क्या किया, हमने डिजाइन तो चैट जीपीटी से क्रिएट कर ली, बट जो हमारे पास इनपुट फील्ड्स हैं उसको हमने एंगुलर मटेरियल से चेंज कर लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, मैट इनपुट मैट बटन मॉड्यूल भी यूज कर लेंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि कंसिस्टेंसी रहेगी हमारे पूरे एप्लीकेशन में। तो इस बटन की जो क्लासेस लगी हैं इनको हटाएंगे हम लोग, और यहाँ पे मैट रेज्ड बटन करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हमारा डिजाइन कैसा दिख रहा है, इसको विथ फुल करनी है, ठीक है, क्लास लगाएंगे डब्लू फुल। इस तरीके से हमारा एंगुलर मटेरियल का फॉर्म रेडी हो गया, ठीक है। अब हम लोग एक रिएक्टिव फॉर्म स्कीमा क्रिएट करेंगे यहाँ पे, उसके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल, और क्लास हम इंजेक्ट करेंगे फॉर्म बिल्डर की, ठीक है, इंजेक्ट फॉर्म बिल्डर क्लास। इस फॉर्म बिल्डर की हेल्प से हम लोग एक रजिस्टर फॉर्म क्रिएट करेंगे, अब यहाँ पे हमको अपनी प्रॉपर्टीज बतानी पड़ेंगी, तो प्रॉपर्टीज हमारी नेम होगी, ईमेल, पासवर्ड, और तीनों फील्ड हमारी रिक्वायर्ड होंगी। तो यहाँ पे हम लोग एक वैलिडेटर्स देंगे, वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड, ईमेल भी हमारा रिक्वायर्ड होगा, और उसके अलावा ये ईमेल टाइप का होगा, वैलिडेटर्स डॉट ईमेल, हमने दो वैलिडेशन लगा दिए ईमेल पे कि रिक्वायर्ड भी होगा और ईमेल टाइप का होगा। और पासवर्ड पे हम लोग लगाएंगे वैलिडेशन मिन लेंथ 5, मिनिमम 5 लेंथ का हमारा पासवर्ड होना चाहिए। इसके बाद इस फॉर्म को हम लोग अटैच करेंगे अपने HTML फॉर्म से, तो उसको अटैच करने के लिए क्या करते हैं, हम ये मेथड हटाएंगे और यहाँ पे फॉर्म ग्रुप एट्रीब्यूट पे अपने फॉर्म को असाइन कर देंगे। इस तरीके से हमारा फॉर्म बाइंड हो गया। अब इस कंट्रोल पे हमको नाम देना है, ठीक है, फॉर्म कंट्रोल नेम, यहाँ पे नेम, ओके। इसके बाद नेम प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है, आईडी की भी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ फॉर्म कंट्रोल नेम देना है, और ये हो गया ईमेल, प्लेस ऑर्डर योर ईमेल, और पासवर्ड में टाइप हम लोग यहाँ पासवर्ड कर देंगे,
फॉर्म कंट्रोल नेम हम लोग देंगे पासवर्ड, ओके पासवर्ड, और जब रजिस्टर बटन पे क्लिक होगा तो हम लोग रजिस्टर फंक्शन कॉल करेंगे, ओके और इस फंक्शन को हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे और फॉर्म की वैल्यू को प्रिंट कर लेंगे। एक काम और करेंगे, इस बटन को डिसेबल करेंगे जब तक हमारा फॉर्म वैलिड नहीं है, ठीक है। अगर हमारा रजिस्टर फॉर्म इनवैलिड है तो हमारा ये बटन जो है वो डिसेबल रहेगा। इस तरीके से हमारा फॉर्म एंगुलर का क्रिएट हुआ। तो अभी हमने प्लेस होल्डर, हमें ये लेबल भी चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे नेम है, यहाँ पे ईमेल, और ये हमारा हो गया पासवर्ड। अब हम अपना नेम देते हैं कस्टमर वन, कस्टमर वन वन, ईमेल हमारा कस्टमर वन वन एट द रेट टेस्ट डॉट कॉम, पासवर्ड 1234। अभी भी अब जैसे ही मैं पासवर्ड के लेंथ 5 करूँगा हमारी बटन इनेबल हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैं इस पे रजिस्टर पे क्लिक करूँगा हमें डेटा मिल जाएगा। अब इस पे हम क्या करेंगे, अपनी API कॉल करेंगे। तो अपनी ऑथ सर्विस पे चलेंगे और ये ऑथ सर्विस क्या करेगी, रजिस्टर फंक्शन को, रजिस्टर API को कॉल करेगी। तो हमें HTTP क्लाइंट को इंजेक्ट करना है, और यहां से हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे अपने API के URL पर, और API का URL हमारा क्या है, auth slash register, राइट। चेक कर लेंगे API का URL auth है, के बाद हमारा register है, ठीक है। यहाँ पे हमें अपना बॉडी सेंड करनी है, तो नेम पासवर्ड मेल, ये तीनों चीजें आ गई, और हम यहां से इसको पास कर देंगे। ये हमारी API कॉल हो गई, रजिस्टर API। अब हम अपने रजिस्टर कंपोनेंट में जाएंगे और सर्विस को इंजेक्ट करेंगे। और जब रजिस्टर पर क्लिक होगा तो हम लोग यहां से सेंड करेंगे डेटा। डेटा कैसे सेंड करेंगे, तो लेट वैल्यू, वैल्यूज को हमने इस वैल्यू वेरिएबल में कर लिया। अब वैल्यू डॉट नेम, वैल्यू डॉट ईमेल, वैल्यू डॉट पासवर्ड, इस तरीके से हमने डेटा पास किया। अब इसको हम सब्सक्राइब कर लेंगे रिजल्ट। जैसे ही हमें रिजल्ट आएगा हम लोग एक अलर्ट दिखाएंगे, यूजर रजिस्टर्ड, ओके, और इसको हम लोग रिडायरेक्ट कर देंगे लॉगिन करने के लिए, ठीक है। तो अभी हमने लॉगिन नहीं बना रखा है, तो पहले हम लॉगिन का बना लेंगे, तो यहां से रिडायरेक्ट करेंगे। अब इसको चेक करते हैं, पहले हम अपना MongoDB ओपन करके चेक करते हैं कितने यूजर्स हमारे रजिस्टर्ड हैं पहले से, हमने जो मैनुअल डायरेक्टली रजिस्टर किया था। तो हमारा कस्टमर वन और कस्टमर टू रजिस्टर्ड है, तो हम लोग कस्टमर थ्री को रजिस्टर करेंगे, ओके कस्टमर थ्री, कस्टमर थ्री एट द रेट जी टेस्ट डॉट कॉम, और पासवर्ड रखेंगे 1234 5। अब जब हम इसको कॉल करेंगे तो यूजर हमारा हो जाएगा रजिस्टर,
और डेटा हमारा होगा यूजर का इंसर्ट है, यहाँ पे कस्टमर थ्री हमारा इंसर्ट हो गया, उसका पासवर्ड इनक्रिप्टेड फॉर्म में यहाँ पे स्टोर हो गया। अब हमको क्या करना है, लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए हम लोग फिर से लॉगिन कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, क्लियर टर्मिनल एनजी जनरेट कंपोनेंट, एक लॉगिन कंपोनेंट बनाएंगे हम लोग। और हम क्या करेंगे, सेम इसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म को हम लोग कॉपी कर लेंगे, सेम टू सेम रजिस्ट्रेशन फॉर्म को हम लोग यहां से कॉपी करेंगे। और जैसे ही हमने यहां पे बटन मॉड्यूल और इनपुट मॉड्यूल को इंपोर्ट किया था, सेम टू सेम हम लोग इसको भी इंपोर्ट करेंगे, मैट बटन मॉड्यूल मैट इनपुट मॉड्यूल। ओके, और यहां से हम लोग नेम फील्ड को हटा देंगे। ओके, तो हटाते हैं, तो हमने और इस बटन को चेंज करेंगे लॉगिन। अब लॉग इसका हम लोग राउटिंग करेंगे, राउटिंग कर लेते हैं। अब जब रजिस्टर यहाँ पे यूजर का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा तो हम रिडायरेक्ट कर देंगे लॉगिन पेज पे। तो राउटर का यूज करेंगे रिडायरेक्ट करने के लिए, सिस डॉट राउटर नेविगेट बाय यूआरएल स्लैश लॉगिन। अब एक नया यूजर रजिस्टर करते हैं, कस्टमर फोर कस्टमर फोर एट द रेट टेस्ट डॉट कॉम, पासवर्ड रखेंगे 1 2 3 4 5। तो ये जैसे ही रजिस्टर होगा हमारा लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लॉगिन पेज पे यहाँ आ गए, इसकी हेडिंग चेंज करते हैं, तो हम लोग लॉगिन पेज पे हैं, हमारा डिज़ाइन रेडी है जो हमने रजिस्ट्रेशन पेज से कॉपी किया है। अब यहाँ पे हम लोग एक लॉगिन फॉर्म क्रिएट करेंगे, रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल फॉर्म बिल्डर इंजेक्ट फॉर्म बिल्डर क्लास, और हम अपना लॉगिन फॉर्म क्रिएट करेंगे। ओके, दिस डॉट फॉर्म बिल्डर डॉट ग्रुप, यहाँ पे हम लोग डालेंगे ईमेल, वैलिडेटर्स रिक्वायर्ड और पासवर्ड। यहाँ लगेगा कॉमा। ओके, और यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे लॉगिन, कंसोल डॉट लॉग कर लेंगे अपना लॉगिन फॉर्म का डेटा, लॉगिन फॉर्म डॉट वैल्यू। ठीक है, अब जब इस और अपने फॉर्म को हम लोग यहाँ अटैच करेंगे, फॉर्म ग्रुप लॉगिन फॉर्म, और बटन पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करने पे अपना फंक्शन कॉल करेंगे लॉगिन फंक्शन, और इस बटन को डिसेबल करेंगे जब तक हमारा फॉर्म जो है लॉगिन फॉर्म इनवैलिड है। ठीक है, इस तरीके से हमारा फॉर्म क्रिएट हो गया। चलिए, अभी हमारा बटन डिसेबल्ड है, मैंने कस्टमर थ्री एट द रेट टेस्ट डॉट कॉम ईमेल डाला, पासवर्ड 1 2 3 4 5 डाला, और जब हम ये एपीआई कॉल करेंगे तो हमें वहां से रिटर्न आएगा टोकन। राइट, अगर हम देखें नेटवर्क टैब पे तो अनऑथराइज आ रहा है, ऐसा क्यों? हमारी एपीआई कॉल
तो हमें एपीआई कॉल करनी ही नहीं है। ठीक है, हाँ एपीआई कॉल नहीं होगी तो हमें डेटा मिल रहा है। अब हमको एपीआई लॉगिन एपीआई कॉल करनी है। ठीक है, अभी हमने लॉगिन एपीआई कॉल नहीं की, तो अपने ऑथ सर्विस पे जाएंगे, यहाँ पे सेम टू सेम हम लोग क्रिएट करेंगे लॉगिन एपीआई फंक्शन जो हमारी लॉगिन एपीआई को कॉल करेगा। हम ईमेल और पासवर्ड भेजेंगे और ये होगा हमारी लॉगिन एपीआई। ठीक, सेम हम लोग अपने लॉगिन कंपोनेंट में ऑथ सर्विस को इंजेक्ट कर लेंगे और एपीआई कॉल करेंगे सिस डॉट लॉगिन फॉर्म डॉट वैल्यू डॉट ईमेल और पासवर्ड। ठीक और इसको हम लोग सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने पे जो रिजल्ट आएगा हम उस रिजल्ट को कंसोल डॉट लॉग कराएंगे ये चेक करने के लिए कि हमें क्या रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं इसको। Customer 3 का ईमेल डाला, पासवर्ड डाला, लॉगिन एपीआई पे क्लिक किया, हमारी लॉगिन एपीआई कॉल हुई और हमें डेटा रिटर्न हुआ, यूजर का डेटा आया और एक टोकन रिटर्न हुआ। ठीक है, तो ये कंसोल पे हमें टोकन और यूजर का डेटा मिल गया। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लोग सेव करेंगे अपने लोकल स्टोरेज पे। तो लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम हम लोग टोकन को स्टोर करेंगे लोकल स्टोरेज पे, सेम यूजर का भी डेटा हम लोग स्टोर करेंगे टोकन में। ठीक है, लोकल स्टोरेज में इस तरीके से हमारा यूजर का डेटा इंफॉर्मेशन और टोकन लोकल स्टोरेज में सेव हो जाएगी। तो चलिए लॉगिन करते हैं। अभी हम चेक करेंगे लोकल स्टोरेज को और इसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, अब कस्टमर का हम ईमेल आईडी डाले, पासवर्ड डाले और लॉगिन किया, डेटा हमारा टोकन और यूजर का डेटा यहाँ आ गया। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट डायरेक्ट हमने सेव कर दिया इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो इसको हमको स्ट्रिंगीफाई करके सेव करना पड़ेगा। जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई क्योंकि लोकल स्टोरेज में केवल हम लोग स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं, डायरेक्ट पूरा ऑब्जेक्ट स्टोर नहीं कर सकते। तो फिर से एक बार हमको लॉग इन करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 लॉग इन किया, शायद कुछ प्रॉब्लम है पासवर्ड की, 1 2 3 4 5 दोबारा लॉग इन किया और यहाँ पे हमें डेटा यूजर का स्टोर हो गया कि यूजर का क्या नाम है, ईमेल आईडी क्या है। ठीक है, और टोकन हमारा हो गया स्टोर। अब हम लोग इसको रिडायरेक्ट कर देंगे होम पेज पे, लॉग इन करने के बाद यूजर को हम लोग होम पेज पे रिडायरेक्ट कर देंगे। तो कैसे करेंगे, राउटर इंजेक्ट करेंगे, राउटर की हेल्प से हम लोग रीडायरेक्ट करेंगे राउटर डॉट नेविगेट बाई यूआरएल होम। ओके, जैसे ही यूजर होम पेज पर रीडायरेक्ट होगा हम उसको लॉगिन होगा हम उसको होम पेज पे रीडायरेक्ट कर देंगे। तो अब देखते हैं दोबारा करके, लॉगिन किया, यूजर हमारा होम पेज पे रीडायरेक्ट हो गया बट हमारा डेटा नहीं आ रहा है। क्यों, जब हमने एपीआई कॉल किया तो ये 401 रिस्पॉन्स दे रहा है, एक्सेस डिनाइड, क्योंकि हमने एपीआई जो है अपनी प्रोटेक्ट कर रखी है कि भाई अब जो ये एपीआई कॉल होंगी यूजर को टोकन के साथ भेजनी पड़ेगी, तो हमको अब इस एपीआई को कॉल करने पर टोकन भेजना पड़ेगा जो कि हमारे लोकल स्टोरेज पे सेव्ड है। तो अब हमारे पास सारी एपीआई में बार बार जाके उसके हेडर पे है, तो हम लोग क्या करें कि जैसे ये हमारी सर्विस है, ब्रांच सर्विस है, ठीक है, यहाँ पे हम हेडर में जाएं इस HTTP हेडर के और यहाँ पे टोकन ऐड कर दें, फिर कैटेगरी में जाएं, कैटेगरी सर्विस में जाएं, जितने फंक्शन है सबके हेडर्स में टोकन ऐड करें, बट ये मतलब बहुत रिपीटेटिव वर्क हो जाएगा। जितने फंक्शन जितनी API कॉल आप करोगे हर जगह जाके आप हेडर में टोकन
टोकन ऐड करोगे तो ये पॉसिबल नहीं होता, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे एचटीटीपी इंटरसेप्टर्स का, और उस एचटीटीपी इंटरसेप्टर क्या करता है, जितनी भी हमारी रिक्वेस्ट जाएंगी सर्वर पे, जितनी भी एचटीटीपी कॉल्स जाएंगी उनको इंटरसेप्ट करता है, और आप उसमें जो भी चेंजेस उस रिक्वेस्ट में कुछ भी ऐड डिलीट करना चाहते हैं या मॉडिफाई करना चाहते हैं आप कर सकते हो। तो चलिए क्रिएट करते हैं एक एचटीटीपी इंटरसेप्टर, कैसे करते हैं, क्लियर, हम अपने ऐप फोल्डर के अंदर एक कोर फोल्डर क्रिएट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे नाम रखेंगे अपने इस इंटरसेप्टर का टोकन इंटरसेप्टर, क्योंकि ये टोकन ऐड करेगा, ठीक है, तो फाइल का नाम हम लोग रखेंगे टोकन एचटीटीपी इंटरसेप्टर डॉट टी एस, ओके, और यहाँ पे हम लोग क्रिएट करेंगे अपना इंटरसेप्टर, तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, तो इंटरसेप्टर एक फंक्शन होता है, ठीक है, तो टोकन एचटीटीपी इंटरसेप्टर, और ये फंक्शन क्या रिसीव करता है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट का हैंडलर, ठीक है, तो नेक्स्ट, और एरो फंक्शन क्रिएट करेंगे, और इस फंक्शन को हम क्या कर रहे हैं कि इंटर इंप्लीमेंट कर रहे हैं, इसकी हेल्प से एचटीटीपी इंटरसेप्टर एक फंक्शन इंटरफेस होता है, इंटरसेप्टर फंक्शन लाइक दिस, ठीक है, और ये रिटर्न रिटर्न करता है हैंडलर, ठीक है, तो हैंडलर रिटर्न करेंगे रिटर्न नेक्स्ट, और अपनी रिक्वेस्ट हम यहां से पास करेंगे। अगर हम इस हैंडलर का, इस टोकन इंटरसेप्टर का यूज करेंगे तो ये क्या कर रहा है, ये रिक्वेस्ट पाइपलाइन में सेम रिक्वेस्ट को पास कर दे रहा है, मतलब हमारी रिक्वेस्ट जो थी वही रिक्वेस्ट पास हो जाएगी सर्वर पे, बट अगर हमें यहाँ पे कुछ इंटरसेप्ट करना है, कुछ मॉडिफाई करना है, तो क्या करना है, हमें टोकन ऐड करना है अपनी रिक्वेस्ट में, तो टोकन ऐड करने के लिए पहले तो हम टोकन निकालेंगे कहाँ से, लोकल स्टोरेज पे, तो लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम टोकन, टोकन हमने निकाल लिया, ठीक है, ये टोकन हो गया, अगर टोकन हमारे पास अवेलेबल है तब हम टोकन ऐड करेंगे अपनी रिक्वेस्ट में, तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले तो रिक्वेस्ट को क्लोन करना है, रिक्वेस्ट डॉट क्लोन, और इस फंक्शन में हमें क्या प्रोवाइड करना है, सेट हेडर और ऑथराइज और इसमें हम लोग अपना टोकन प्रोवाइड कर देंगे। इस रिक्वेस्ट में क्या हुआ, जो हमारी नॉर्मल रिक्वेस्ट थी उसमें हमने अपने हेडर में टोकन को ऐड कर दिया और रिक्वेस्ट को पास कर दिया, तो ये जो इंटरसेप्टर है टोकन ऐड करेगा सभी रिक्वेस्ट में। अब इसको रजिस्टर करना पड़ेगा हमें अपने ऐप कन्फिग में, ऐप कन्फिग में कैसे करेंगे, ये हमने एचटीटीपी इंटरसेप्टर प्रोवाइड किया है, अब यहाँ पे हम लोग एक विद इंटरसेप्टर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, और इसमें पास करेंगे टोकन इंटरसेप्टर लाइक दिस, ओके, अब आप देखते हैं कि हमारा वर्क कर रहा है या नहीं। अब आप देखोगे जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया, यहां से जो भी रिक्वेस्ट जा रही है, जो रिक्वेस्ट हमारी गई उसके हेडर में ये टोकन ऐड होके जा रहा है, इस तरीके से हम लोग टोकन भेज सकते हैं। अब एक चीज ये है कि यूजर यहाँ पे हम प्रोफाइल की जगह पे यूजर का नाम दिखा सकते हैं, ठीक है, और नाम हमने कहाँ स्टोर कर रखा है, लोकल स्टोरेज में। ऑथ सर्विस में हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन क्रिएट करेंगे, और ये फंक्शन क्या है, गेट यूजर नेम, और ये क्या करेगा, यूजर
डेटा लोकल स्टोरेज से निकालेगा, डॉट गेट आइटम यूजर। अगर हमारे यूजर डेटा में कुछ है तब तो हम क्या करेंगे, जेसन डॉट पार्स यूजर डेटा, यहां से रिटर्न कर देंगे नेम। अदरवाइज हम यहां से रिटर्न कर देंगे नल, ठीक है। और सेम हम एक फंक्शन और क्रिएट कर सकते हैं, गेट इज यूजर लॉग्ड इन, या इज लॉग्ड इन फंक्शन क्रिएट करते हैं, इज लॉग्ड इन, ठीक है। ये क्या करेगा, सेम हम लोग इस फंक्शन क्रिएट करेंगे और टोकन निकालेंगे, ठीक है। टोकन, टोकन हमने निकाला, और अगर टोकन एग्जिस्ट कर रहा है तब तो यूजर हमारा लॉग इन है, हम ट्रू रिटर्न करेंगे, ओके, अदरवाइज हम फॉल्स रिटर्न करेंगे। तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि यूजर लॉग इन है या नहीं। तो इस फंक्शन को हमको कहीं भी यूज करना हो हम लोग कर सकते हैं। तो अपने हेडर पे चलेंगे और यहाँ पे इंजेक्ट करेंगे ऑथ सर्विस, ऑथ सर्विस और अपने हेडर पे जहाँ हमने प्रोफाइल लिखा है यहाँ पे हम लोग ऑथ सर्विस डॉट नेम, यूजर नेम जो हमने फंक्शन क्रिएट गेटर फंक्शन बनाया है वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कस्टमर 3 आ गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम इसको लगाओ, इसको टोकन डिलीट कर देते हैं। टोकन डिलीट कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, यूजर हमारा लॉग इन नहीं है तो यहाँ तो नाम नहीं आ रहा है। बट जब यूजर हमारा लॉग इन नहीं है तो हम यहाँ इस पेज को क्यों दिखाएं, उसको हम लॉगआउट पेज, लॉग इन पेज पे रिडायरेक्ट हमें कर देना चाहिए। मतलब ये राउट्स हमारे प्रोटेक्ट होने चाहिए, ये राउट्स हमारे प्रोटेक्ट होने चाहिए। तो कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, हम लोग यूज करेंगे ऑथ गार्ड का, ओके। तो अब हम लोग एक ऑथ गार्ड बनाएंगे, तो अपने कोर फोल्डर पे चलेंगे, यहाँ पे हम लोग एक ऑथ गार्ड बनाएंगे .ts। ये भी जैसे हमने टोकन इंटरसेप्टर बनाया था वैसे ही बनेगा, const auth guard, और ये इंप्लीमेंट करेगा can activate फंक्शन को। route state इसको क्या रिटर्न करना है, इसको ट्रू फॉल्स रिटर्न करना है। मतलब हमारा यूजर उस पेज को ओपन कर सकता है या नहीं, ये हम लोग यहाँ पे डिसाइड करेंगे। तो अगर हमें किसी राउट को प्रोटेक्ट करना है कि इसमें तो यूजर लॉग्ड इन है या नहीं, तो कैसे कर सकते हैं, हम पहले ऑथ सर्विस को इंजेक्ट करेंगे, ठीक है, इंजेक्ट ऑथ सर्विस। अब हमको कैसे यहाँ पता करना है कि यूजर हमारा लॉग्ड इन है या नहीं, तो लॉग कैसे पता चलेगा, auth service dot is logged in or not, ये जो हमने getter function बनाया था, अगर है तो हम यहाँ से return कर देंगे true, okay? else return false, ठीक है। और हम इसको redirect कर देंगे login page पे as well, okay? तो router का use करना है, inject राउटर, और जैसे ही हमें पता चलेगा ये लॉग इन नहीं है तो हम लोग राउटर का यूज करके नेविगेट बाय यूआरएल इसको लॉग इन पेज पे रिडायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए चेक करते हैं, रिफ्रेश किया, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, हमें अभी इसको रजिस्टर भी करना पड़ेगा, कौन कौन से पेज नहीं यूजर ओपन कर सकता ये हमें डिसाइड करना है, ठीक है। तो हम अपने राउट्स फोल्डर में जाएंगे, राउट्स फाइल में जाएंगे, जैसे इस होम कंपोनेंट को यूजर नहीं एक्टिवेट कर सकता, ठीक है, नहीं ओपन कर सकता, तो यहां पे हम प्रोवाइड करेंगे ऑथ गार्ड,
इसका मतलब ये हुआ जब होम पेज पे आएगा तो यूजर को पास करना पड़ेगा ऑथ गार्ड को, तो ऑथ गार्ड अगर ट्रू रिटर्न करेगा तब तो ये पेज ओपन होगा, अदरवाइज नहीं तो ये लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। ओके, सेम हमारा कैटेगरी पेजेस भी। अच्छा, इसके लिए हमें एडमिन कंपोनेंट बना, एडमिन गार्ड बनाना पड़ेगा क्योंकि ये सिर्फ एडमिन ही हमारा ओपन कर सकता है। ठीक है, तो चलिए अभी हम सिर्फ होम पेज को प्रोटेक्ट करेंगे, और होम पेज के अलावा हमारा जो प्रोडक्ट्स के पेजेस हैं, प्रोडक्ट्स ये, ठीक है, और जो रजिस्टर और लॉगिन है इनको कोई प्रोटेक्शन नहीं चाहिए क्योंकि हमारे ये यूजर विदाउट लॉगिन भी एक्सेस करेगा। ठीक है, तो चलिए होम पेज हम लोग ओपन करते हैं। जैसे ही होम पेज मैं ओपन कर रहा हूँ, डायरेक्ट यूजर हमारा लॉगिन पेज पर रिडायरेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, जब हमने लॉगिन किया तो ये इस पेज पे आ गया। अब एक प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे कि हमारी जो कैटेगरी एपीआई है, वो 403 फॉरबिडन कर रही है, राइट, क्योंकि ये एडमिन से प्रोटेक्टेड है। तो हमको एक एपीआई क्रिएट करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा, ये जो गेट एपीआई है कस्टमर के लिए, ये जो सारे डेटा रिटर्न करती है ये एपीआई, इसको हमें अलाउ करना पड़ेगा कस्टमर के लिए भी। तो कस्टमर, के लिए हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे यहाँ पे गेट एपीआई, और इसका नाम रखेंगे कैटेगरीज, और ये हमें गेट कैटेगरीज फंक्शन पे जो कैटेगरीज आएंगी वो रिटर्न करेगा कैटेगरीज। तो हेडर जो हमारी एपीआई कॉल कर रहा है, हेडर पे चलते हैं, कैटेगरीज के लिए जो एपीआई कॉल किया है इसने, ये एपीआई हमारी कॉल करेगा कस्टमर सर्विस के थ्रू। ओके, या यहाँ पे हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है, हम लोग चेंज कर लेते हैं कस्टमर सर्विस टू कस्टमर सर्विस, और इसमें हम लोग एक गेट कैटेगरी फंक्शन क्रिएट करेंगे। कैटेगरीज, और ये कैटेगरीज का एरे रिटर्न करेगा, फंक्शन का नाम रखते हैं गेट कैटेगरीज। ओके, इस तरीके से यहाँ से हमारा कस्टमर के थ्रू आएगा। अब ये हेडर्स हमारा प्रॉपर तो हो रहा है। ठीक है, फिर से अब हम लोग क्या करेंगे, यूजर को लॉग आउट करेंगे। कैसे, यहाँ पे हम लोग एक बटन दे देते हैं लॉग आउट का, वो बेटर रहेगा। तो अपने हेडर पे चलते हैं, और यहाँ पे हम लोग एक बटन देंगे, जैसे हमने लिंक दे रखी है सेम हम लोग यहाँ पे एक लॉग आउट बटन देंगे, लॉग आउट। और यहाँ पे इसको क्लिक करने पे लॉग आउट फंक्शन कॉल होना चाहिए, और इस फंक्शन को हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऑथ सर्विस में भी हम लोग एक लॉग आउट फंक्शन क्रिएट करेंगे। और हमें क्या करना है, लोकल स्टोरेज से रिमूव करना है टोकन को। ठीक है, टोकन को एंड लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम
यूजर की इंफॉर्मेशन को, ठीक है। अब इसको हम लोग ये सेम कोड यहाँ पे भी लिख सकते थे अपने हेडर पे भी, ठीक है, यहाँ पे, बट इसको हमने इसलिए नहीं किया, मे बी हमें किसी और जगह से भी लॉग आउट करना हो तो हम लोग कर सकेंगे रीयूटिलाइजेशन। हमने auth सर्विस को इंजेक्ट कर ही रखा है, auth सर्विस डॉट लॉगआउट फंक्शन कॉल करेंगे और लॉगआउट फंक्शन करने के बाद हम लोग राउटर से नेविगेट कर जाएंगे लॉग इन पेज पे। जैसे हमने इस पे हम लोग कर्सर पॉइंटर देते हैं, क्लास कर्सर पॉइंटर और मार्जिन लेफ्ट ओके। अब जैसे ही मैं लॉगआउट पे क्लिक करूंगा, ये टोकन डिलीट होंगे और लॉगिन पेज पे हम लोग आ जाएंगे। अब एक प्रॉब्लम यहाँ है, अगर हमारा यूजर लॉग इन नहीं है तो हमारी कैटेगरीज हमारे पास नहीं है, तो ये हेडर हमको जो नीचे कैटेगरीज का हेडर है वो भी नहीं शो करना है, ठीक है। और यहाँ पे लॉगआउट की जगह पे लॉगिन का हम बटन शो करना है, तो ये जो कैटेगरीज का मेनू है इसे हम लोग एट द रेट इफ में डालेंगे auth सर्विस डॉट इज लॉग्ड इन। अगर यूजर लॉग्ड इन है तब तो कैटेगरीज तो होंगी, अदरवाइज कैटेगरीज। और यहाँ पे भी हम लोग एक कंडीशन लगाएंगे, इफ auth सर्विस डॉट इज लॉग्ड इन तब तो हमारा लॉग्ड आउट बटन आएगा, अदरवाइज इल्स में हम लोग दिखाएंगे लॉग इन करने के लिए लॉग इन का। और यहाँ पे हम लोग राउटर लिंक प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, प्लस लॉग इन। चलिए देखते हैं, यहाँ पे लॉग इन है, जिस सपोज हम रजिस्टर पेज पे हैं तो रजिस्टर पेज से अगर हमें लॉग इन करना है तो हम यहाँ पे लॉग इन पे आ सकते हैं, ठीक है। और एक रजिस्टर हम लोग एक बटन और दे देते हैं, रजिस्टर करने की भी बटन यहाँ पे देते हैं। तो अगर यूजर को रजिस्टर करना है तो यूजर रजिस्टर कर सकता है, अदरवाइज लॉगिन कर सकता है, जो भी उसे करना है, लाइक दिस लॉगिन एंड रजिस्टर। और चलिए हम लॉगिन करके देखते हैं, कस्टमर एट द रेट टेस्ट डॉट कॉम, पासवर्ड दिया 12345, लॉग इन किए, हम लोग होम पेज पे पूरा रिडायरेक्ट हो गए, ओके। अब हमें क्या करना है, अगर यूजर एडमिन है तो यहाँ पे हम लोग डैशबोर्ड लिंक देंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमें एडमिन का डैशबोर्ड यहाँ पे दिखाना है, लाइक दिस ओके। तो एडमिन का एक डैशबोर्ड हम लोग क्रिएट करेंगे, तो हम लोग एक एडमिन के लिए डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो सीडी एनजी जनरेट कंपोनेंट मैनेज फोल्डर के अंदर हम लोग डैशबोर्ड या एडमिन डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे। प्रॉब्लम हो गई है, मैनेज फोल्डर बाहर बन गया है, तो इसको हम डिलीट करेंगे। हमें बनाना है कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर, ओके। तो ये हमारा एडमिन डैशबोर्ड बना,
तो हम अपने इस डैशबोर्ड पे क्या दिखाएंगे, बेसिकली कुछ लिंक्स दिखाएंगे। तो मैट बटन मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे, राउटर लिंक को इंपोर्ट करेंगे, और यहाँ पे व्यू क्लास फ्लेक्स जस्टिफाई अराउंड, और यहाँ पे तीन बटन हम दिखाएंगे। बटन पहली तो कैटेगरी, मैनेज कैटेगरी, फिर मैनेज ब्रांड, फिर मैनेज प्रोडक्ट, मैनेज कैटेगरी, मैनेज ब्रांड प्रोडक्ट। ओके, अब यहाँ पे मैट रेस्ट बटन राउटर लिंक देंगे, स्लैश एडमिन स्लैश मैन प्रोडक्ट कैटेगरीज। प्रोडक्ट यहाँ पे ब्रांड देखते हैं हमारा कैसा दिख रहा है डैशबोर्ड। और अगर हम लोग डैशबोर्ड पे जाएंगे, डैशबोर्ड की राउटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। राउट्स पे गए, यहाँ पे हमने राउट्स बनाया, पाथ स्लैश एडमिन, और कंपोनेंट लोड किया हमने एडमिन डैशबोर्ड। अगर हम सिर्फ एडमिन पे जाएंगे तो डैशबोर्ड हमारा ओपन हो गया। तो यहीं पे हम लोग अपने हेडर पे एक लिंक देंगे, अगर कस्टमर पे क्लिक किया है, ठीक है, तो कस्टमर अगर एडमिन है तब तो रिडायरेक्ट करेगा डैशबोर्ड पे, अदरवाइज वो कुछ नहीं करेगा। ये जो कस्टमर ये लिंक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपने ऑथ सर्विस में जाएंगे, यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे इज लॉग्ड इन का, कि साथ साथ हम लोग यहाँ बनाएंगे यूजर, जैसे हमने यूजर नेम लिया है, राइट, यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेंगे, इज एडमिन, फंक्शन का नाम होगा इज एडमिन, एडमिन। अगर डेटा है हमारे पास तो इस एडमिन में जो भी है वो तो रिटर्न होगा, अदरवाइज यहाँ से फॉल्स रिटर्न होगा। ओके, तो अगर हमारा हेडर में एट द रेट इफ ऑथ सर्विस डॉट इस एडमिन, अगर एडमिन है यूजर तब तो हम ये लिंक दिखाएंगे जो कि हमें रिडायरेक्ट करेगा डैशबोर्ड पे, अदरवाइज हम लोग ये लिंक दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमें राउटर लिंक दिखाना है, राउटर लिंक स्लैश एडमिन लाइक दिस। अभी ये कुछ नहीं करेगा, बट अगर हम लॉग आउट करें और कोड विथ वेद एट द रेट टेस्ट डॉट कॉम जो कि एडमिन यूजर है उससे लॉग इन करें, तो अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये एडमिन डैशबोर्ड पे ओपन हमें कर रहा है, ठीक है। और जब हम मैनेज कैटेगरीज पे करेंगे तो मैनेज कैटेगरीज हमारी ओपन होनी चाहिए लाइक दिस। बट अगर हम नॉर्मल यूजर से लॉग इन करें, कस्टमर टी एट द रेट टेस्ट डॉट कॉम 12345, तो अगर कोई डायरेक्ट हमारा ओपन करना चाह रहा है एडमिन डैशबोर्ड को या कैटेगरीज को, तो ये नहीं ओपन होना चाहिए क्योंकि यूजर एडमिन नहीं है। तो इसके लिए हम लोग एक एडमिन गार्ड बनाएंगे। तो चलिए, जैसे हमने गार्ड बनाया है, इस गार्ड को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और इसका नाम चेंज करते हैं एडमिन गार्ड।
अब एडमिन गार्ड क्या करेगा, अगर यूजर लॉग्ड इन है एंड एडमिन लॉग्ड इन नहीं है तब तो लॉगआउट पेज पे रिटर्न कर देगा, ठीक है। अदरवाइज फिर से हमारा चेक होगा, इफ auth service dot is admin, अगर एडमिन है तब तो रिटर्न करेंगे ट्रू, इल्स हम लोग रिडायरेक्ट कर देंगे होम पेज पे, क्योंकि ये जो यूजर है हमारा लॉग इन तो है बट एडमिन नहीं है, ठीक है। तो एडमिन नहीं है तो होम पेज पे जाइए। तो चलिए देखते हैं, अब ये यूजर हमारा जो है वो एडमिन नहीं है, तो ये ओपन नहीं होना चाहिए, तो हमने गार्ड तो बना लिया, गार्ड से अब राउट प्रोटेक्टेड करने पड़ेंगे, प्रोटेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने कैन एक्टिवेट एरे प्रोवाइड करेंगे, और ये क्या करेगा एडमिन, एडमिन गार्ड, ओके कुछ प्रॉब्लम है, हमको नाम चेंज करना है यहाँ, एडमिन एडमिन गार्ड, ओके तो हमने अपने डैशबोर्ड को किया, कैटेगरीज को किया, ठीक जितने भी एडमिन वाले पेजेस हैं उनको हम लोग प्रोटेक्ट कर देंगे लाइक दिस। अब देखिए ये यूजर एडमिन नहीं है, जैसे ही हमने इसको कैटेगरीज पे किया इसने इसे होम पेज पे रिटर्न कर दिया, वो पेज नहीं ओपन होने दिया, ठीक है। और कैटेगरीज पे हम क्लिक कर रहे हैं, ये एडमिन नहीं है इसलिए डैशबोर्ड पे नहीं जा रहा है। अब हम लोग अपना एडमिन से हम लोग लॉगिन करते हैं, जैसे ही हमने लॉगिन किया और हमारी जो प्रोफाइल लिंक है वो डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट कर रही है, और इस पे हम क्लिक करने पे अपने मैनेज वाले पेजेस ओपन कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग ऑथराइजेशन करते हैं, ऑथेंटिकेशन करते हैं और राउट्स प्रोटेक्ट करते हैं। तो देखते हैं, हमने कवर कर लिया ऑथेंटिकेशन, राइट, रजिस्ट्रेशन कर लिया, लॉगिन कर लिया और राउट्स मैनेज कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने अब क्या करते हैं, जैसे हमारा यूजर एडमिन है, राइट, इस पे हम क्लिक कर रहे हैं तो ये डैशबोर्ड पे लेके जा रहा है, ठीक है। बट अगर हमारा यूजर कस्टमर है, ठीक है, कस्टमर है @gmail.com test.com 12345, अब customer 3 है, इस पे क्लिक करने पे इसको ले जाना चाहिए प्रोफाइल पे कस्टमर की, ठीक है। तो हम लोग एक प्रोफाइल कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, कस्टमर प्रोफाइल, तो यहाँ पे हम लोग उसको रजिस्टर करेंगे यहाँ पे सेम, प्रोफाइल कस्टमर प्रोफाइल ऑथ गार्ड से प्रोटेक्ट रहेगा, और अपने हेडर पे हम लोग जो ये अगर एडमिन नहीं है तो यहाँ पे जो लिंक है हमारी वो क्या करेगी, प्रोफाइल पे रिडायरेक्ट करेगी, ओके प्रोफाइल। ये यूजर हमारा एडमिन नहीं है तो इस पे क्लिक किया तो इसने प्रोफाइल पे रिडायरेक्ट किया। अब हम एक प्रोफाइल कस्टमर, अब यहाँ पे हम लोग प्रोफाइल डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रोफाइल डिजाइन करने के लिए हम लोग जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसी की सीएस का एचटीएमएल रियूटिलाइज करेंगे, ओके कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ पे इसको पेश करेंगे,
फॉर्म को हटा लेंगे, मैट फील्ड हटा लेंगे, क्योंकि ये लेआउट डिजाइंड है इसलिए हम लोग इस बटन हटा लेंगे, ठीक है, लेआउट डिजाइंड है इसलिए हम लोग का यूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग नेम डालेंगे, ईमेल डालेंगे और ये दो चीज़ें हम लोग कस्टमर की यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है, और प्रोफाइल, और इसको कैसे शो करेंगे, हम लोग ऑथ सर्विस इंजेक्ट करेंगे, ठीक है, इंजेक्ट ऑथ सर्विस, और यहाँ पे नाम दिखाने के लिए ऑथ सर्विस डॉट नेम यूज़र नेम, नेम देख लेते हैं हमारा शो हो रहा है या नहीं, नेम हमारा शो हो गया। ईमेल के लिए हमें फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, ये ईमेल, और यहाँ से हम लोग रिटर्न करेंगे ईमेल, ओके। फिर से हम लोग प्रोफाइल में जाएंगे, कस्टमर प्रोफाइल पे, और यहाँ पे तो करेंगे यूज़र ईमेल, कस्टमर की हमारी प्रोफाइल क्रिएट हो गई, ठीक है। कस्टमर, अगर उस कस्टमर थ्री ने क्लिक किया तो उसका नेम आ गया और उसका प्रोफाइल आ गया, मैंने लॉगआउट किया, एडमिन से हमने लॉगिन किया, 1 2 3 4 5, तो एडमिन का नाम आया और एडमिन पे क्लिक किया तो उसने एडमिन के डैशबोर्ड पे गया, ओके, और लॉगआउट पे क्लिक किया तो लॉगिन पेज पे आ गया। इस तरीके से हमने ऑथेंटिकेशन अपने ई कॉमर्स वेबसाइट पे कर लिया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल कोड विद वेद, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कमेंट हेयर और यू कैन सेंड मैसेजेस ऑन इंस्टा और ट्विटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग।